हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग आप सबका स्वागत है अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम पर मैं काम करता इस खतरनाक से शोरूम में जहाँ पर हम बेचते हैं खतरनाक खतरनाक प्लेन्स तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने जने काम करते हैं उन सबको ये छोटे छोटे प्लेन दे रखे हैं ताकि हम घर से अपने आ जा सके जल्दी जल्दी यहाँ पर सारे के सारे काम करने वाले अपना प्लेन पार्क करते हैं और आप सबका स्वागत है हमारे प्लेन शोरूम में आपने गाड़ियों का शोरूम सुना होगा अपने बाइकों को

दिया फिर मुझे पूरा का पूरा जूता साफ करना पड़ा चेंज करना पड़ा इसलिए मैं लेट हो गया हाँ चल चल अब मुझे मत टट्टी के बारे में हमारी डिलीवरी आने वाली है नए नए प्लेन की जल्दी जाकर लेकर आ प्लेन कभी भी लैंड होने वाला होगा हमें कस्टमर को आज के आज प्लेन पहुंचाना है जल्दी लेकर आ ओके बॉस अभी क्या लेकर आता हूँ तो कह सर मेरे नए नए माल की डिलीवरी होने वाली है हमारा नया नया प्लेन आने वाला है तो कहे सर अभी एक बड़ा सा कार्गो प्लेन आएगा उसके अंदर एक छोटा प्लेन होगा जिसकी हमें डिलीवरी लेनी है

को यहाँ से बाहर निकाल दिया फटाफट से, तो फड़ से लेकर चलते हैं बॉस के पास बॉस हमारा नया नया, नया प्लेन आ चुका है बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन अब जाकर इसकी डिलीवरी डिलीवरी कर इस एड्रेस पर और याद रखना बिल्कुल सेफ होनी चाहिए प्लेन को कुछ नहीं होना चाहिए अरे बॉस आपको तो बताइए मैं प्लेन चलाने में कितना ज्यादा एक्सपर्ट हूँ अभी जाकर इसकी डिलीवरी कर लाते हैं फ्रेंकलिन मेरी बात सुनो तुम्हें तो बताइए मुझे मेरे प्लेन मेरी जान से भी ज्यादा प्यार अगर तुम डिलीवरी नहीं कर पाए या कुछ भी और हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अरे बॉस आप टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा आप

नहीं ये नहीं क्या हो गया बचाओ मुझे और बच के बुज के मुझे ज्यादा मजे नहीं करनी चाहिए वरना मेरी जॉब चली जाएगी फटाफट फड़ से टायर अंदर डाल लेते हैं और इस प्लेन की डिलीवरी करने चलते हैं और कई जरा आप देख सकते हो इस प्लेन की हम डिलीवरी करने आ चुके हैं इस घर में डिलीवरी करनी है पर इधर उतारूंगा कैसे इसका घर तो बहुत ही छोटा है मुझे लगता है मुझे यहाँ पर रोड पर उतार लेना चाहिए इसको और अब इस घर के अंदर हम टायर आराम आराम से चले जाएंगे तो कई आप देख सकते हो डिलीवरी करने हम आ चुके हैं इस खतरनाक से प्लेन की ओ भाई साहब साइड जाओ अब मेरा पर गाड़ी को चढ़ा रहा है और देख सकते हो अभी हम इस प्लेन को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं सर आपकी डिलीवरी आ चुकी है अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं आपको नहीं छोड़ूंगा चुप हो जाओ सवाल होगी रेल गाड़ी लगा दी ये मैं प्लेन तुम्हारी डिलीवरी के लिए गये प्लेन क्या अरे तो और कर मंगवाएगा मैं ही तो मंगवाऊंगा क्यों हाँ हाँ, ने हमारे लिए। तुम्हारे लिए अरे ये क्या चल रहा है अरे मैं समझाता हूँ क्या चल रहा है मैं बहुत ही ज्यादा हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और आप बहुत ही गरीब हो इसलिए आपने ऐसे कभी सोचा भी नहीं होगा मुझे यहाँ को मारूंगा मिल गया पत्थर के बच्चे नहीं तो छोड़ूंगा अरे ये लोग कौन है डर गए ना ये लोग मेरे दोस्त हैं इन सबको मैंने में मदद गिरी और अब ये सब मेरी सिक्योरिटी करते हैं अरे ये सब के सब तो चोर गुंडे ये चोर गुंडे पहले थे अब ये मेरे बॉडी गार्ड है हाँ अच्छी बात है मैं यहाँ से निकल लेता लेता हर एक्सीडेंट इसके पैसे दे, दे प्लेन के क्या पैसे? कौन से पैसे मैं आपको पैसे नहीं दूंगा अरे मुझे थोड़ा देने मुझे करने तो मैं उसको दे दे पर मैं आपको नहीं दूंगा अरे क्यों नहीं देगा क्योंकि मुझे था और ये तो पता नहीं कैसा कलर है अच्छा ठीक है फिर मैं इस प्लेन को वापस दे देता हूँ पकड़ो इसको अरे क्या पकड़ो मैंने तू ये प्लेन को कहीं नहीं लेकर जा सकता ये प्लेन चैन बॉस का है अरे तो तुम्हारे बॉस को बोलो पैसे दे मैं इसको फ्री में कुछ नहीं दूंगा क्या करूँ मैं, मैं जॉब करता हूँ मुझे पैसे देने को। पास पैसे नहीं है ये ले, निकलिया से, मैं नहीं छोड़ने वाला हमारे बॉस से पैसे मांगता है ये ले मुझे मुझे कोई तो और इसको तो नहीं छोड़ेंगे मुझे दो, आ, उ, आ, मारते जाओ मत है अरे दीदी जब तक आप मेरे लिए अंगूर लेकर आओ मुझे अंगूर खाने मैरू मैरू बस सब, के सब रुक जाओ छोड़ दो भैया को अरे बड़ा जल्दी रोक दिया ये प्लेन तू रख ले मैं यहाँ से जा रहा हूँ इन्होंने तो मेरी पूरी की पूरी हालत ही खराब कर डाली मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे इतना मारा इतना मारा कि मेरी चड्डी में से भी खून आ रहा है मुझे यहाँ से जाना चाहिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर भी और रुका तो मैं तो मर जाऊंगा पर मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा कि मैंने प्लेन किसको दिया पैसे कहां पर मैं क्या करूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा पर मुझे अपने बॉस को सब का सब सच तो बताना ही पड़ेगा बॉस मेरी बात सुनो हेलो हाँ सर बोलिए अरे मेरा प्लेन अभी तक नहीं आया कहां पर मेरा प्लेन ओ, क्या सर हमने तो डिलीवरी कब की करवा दी अरे क्या बोल रहे हो मेरे पास अभी तक डिलीवरी नहीं आई और मैंने उस प्लेन को हवा में उड़ते हुए देखा सर आप टेंशन मत लीजिए अभी मैं कुछ करवाता हूँ अरे ये फ्रैंकलिन के बच्चे ने क्या कर दिया कहाँ पर प्लेन उड़ाना है आज आने दो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा इसे जॉब से भी निकालूंगा और आर पी जी से उड़ाऊंगा हाँ। क्या मैं तो मेरे बॉस से बात आया था वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो तो मुझे से उड़ाना चाहते है मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी उनको लग रहा है कि मैंने प्लेन अभी तक डिलीवरी नहीं किया जबकि मैंने प्लेन डिलीवर कर दिया है और शिव जैन ने मुझे पैसे नहीं दिए अरे अब मैं क्या करूंगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा लड़को मेरी बात सुन पूरे शहर में फैल जाओ और उस फ्रेंकलिन को ढूंढो लॉस सेंटोस पुलिस डिपार्टमेंट को लॉस सेंटोस मिलिट्री वालों को सबको बता दो कि फ्रैंकलिन एक नंबर का चोर है उसको ढूंढो जिंदा या फिर मराबा मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे फ्रैंकलिन चाहिए हाई नहीं, नहीं नहीं, नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए तो गाइस मेरी हालत तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है एक सेकेंड यहाँ पर ये सारे लोग क्या कर रहे हैं लगता है खाना वाना बट रहे ये तो टीवी देख रहे हैं क्या चल रहा है टीवी में ब्रेकिंग न्यूज लॉस सेंटो के प्लेन शोरूम से हुआ प्लेन चोरी बताइए सर किसने चोरी किया ये प्लेन चोरी किया है फ्रैंकलिन ने फ्रैंकलिन एक नंबर का चोर है वो बहुत ही ज्यादा काला है तो उसको ढूंढिए जो भी उसको ढूंढ कर लाएगा मैं उसको एक मिलियन डॉलर देने वाला हूँ मैं उसको अपने हाथों से इस आर पी मारना चाहता हूँ सर क्या आपके पास कोई फोटो है हाँ मेरे पास फ्रैंकलिन की फोटो देखिए इस शख्स को ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है इसकी आंखों से देखकर ही लगता है कि एक नंबर का चोर है तो अगर आपको ये कहीं पर भी देखिए तो फोन कीजिए नाइन ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा फ्रैंकलिन अरे ये तो मेरी बात हो रही है अरे देखो देखो ये तो लड़का भी मारा था चोर, चोर, चोर। अरे ने, 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 मैं चोर नहीं हूँ यहाँ से अरे ये लोग तो मुझे समझ रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा बॉस था उसने ये न्यूज में डाल दिया कि मैं एक चोर हूँ की पूरी पूरी पुलिस अब मुझे ढूंढने वाली है अब मैं क्या करूंगा मुझे समझ नहीं आना कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा दी बागो। तो पूरे पूरे के पूरे लॉस सेंटोस पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है। और पता नहीं कौन कौन लोग मुझे ढूंढ रहे हैं उनको एक मिलियन डॉलर्स चाहिए तो उससे पहले कि कोई मुझे मार दे मैं इस लावा में जंप करने वाला हूँ तो मैं इस, मैं इस इस पत्थर के ऊपर चढ़ चुका हूँ और हम जाने वाले सीधा लावा के अंदर मुझे पता है लावा बहुत ही ज्यादा गर्म होता है पर अगर आरपीजी मुंह पे पड़ेगी तो उससे तो अच्छा ही होगा तो काय सर जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए इसके बाद पता नहीं कब बोलूंगा मैं जा रहा हूँ बाय बाय मित्रों बचाओ मैं जा रहा हूँ लावा और ये बच्चा कहाँ जा रहा है अभी इसको बचाता हूँ बच्चे पकड़ लिया मैंने आ, मुझे बचाओ मैं लावा में गिर जाऊंगा मुझे बचाओ टेंशन क्यों ले रहा है लावा से मैंने तुझे बचा लिया पर तू खुद लिए ओ अच्छा सॉरी वापस फेंक देता हूँ मुझे बच्चे, वैसे तुम लावा में कूदना क्यों चाहते थे अरे अंकल मैं क्या करूँ लॉस सेंटोस का हर एक पुलिस वाला मुझे ढूंढ रहा है मुझे पकड़ने के लिए और मेरा बॉस भी मुझे ढूंढ रहा है मारने के लिए अरे ऐसा क्या कर दिया तुमने अरे मैं एक प्लेन की करने गया था उसके बाद वो प्लेन के मुझे पैसे नहीं मिले और मेरे बॉस को लगता है कि वो मैंने प्लेन चुरा लिया। तो, तो सबका सब समझ चुका हूँ तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो पर तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ क्या कैसे आप मेरे बॉस को मार दोगे और सारे पुलिस वालों को भी और बाकी के सारे को भी ये प्लेन बहुत बड़े लगा अरे बच्चे पागल हो गए हो क्या मैं सबको क्यों मारूंगा मैं यहाँ पर किसी को नहीं मारने वाला पर मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ क्या वो कैसे अभी बताता हूँ बच्चे मेरे पास है ये जादुई पोषण इसको पीने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या इसके अंदर जहर है क्या अरे बच्चे जहर नहीं है पी के तो देखो अच्छा ठीक है इसको फटाफट से पी लेते अब कप 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 अरे ये क्या मुझे जहा जहाँ पर लगी थी वो सबका सब ठीक हो चुका है बच्चे बस इतना नहीं सामने वो गाड़ी है उसको टच करो उसको टच करो अच्छा कर ठीक बोलते हो तो। चलो चलो टच करो अच्छा तो ठीक है, तो सर, मुझे इस गाड़ी पर मुक्का मारना पड़ेगा ये ये क्या? ये क्या हो गया बच्चे पोषण का कमाल ये देखो ये पूरी की पूरी गाड़ी डायमंड में कन्वर्ट हो चुकी है क्या सही में ये तो डायमंड है, असली डायमंड। ये तो बहुत खतरनाक है बच्चे अब तुम्हारे पास आ चुके ऐसी पावर्स, अब तुम कुछ भी कर गायब अंकल। अंकल हो गया अरे सर, इन अंकल ने तो मेरी बहुत ही खतरनाक मदद कर दी है मैंने इस गाड़ी पर जैसे मुक्का मारा ये गाड़ी पूरी पूरी डायमंड चुकी है इसका मतलब मेरे पास ऐसी पावर

फ्रैंकलिन मारो मारो। इसको, रुक मारो, रुक जाओ, रुक जाओ कुछ करने की नहीं है। क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आपके पैसे वापस देना है उस के। पैसे से देगा मैं तुझे साल के दस हजार रूपए देता हूँ और वो प्लेन नाइन मिलियन डॉलर का था सिर्फ नाइन मिलियन ये काम तो पत्थर ही कर देंगे अभी बुढ़ापट से इन पत्थरों को हम मारेंगे मुक्का ताकि ये कन्वर्ट हो जाए डायमंड में ये लो बॉस अरे काय का बॉस ये लो पेमेंट मैंने यहाँ पर कर दिए वो था 90 मिलियन का और ये डायमंड टोटल मिला के फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर के और क्या हो गया नहीं बोल ये कैसे हो सकता है, है? तो पेमेंट यहाँ पर हो चुकी है सारे पुलिस वालों को बोल देना की मुझे कोई ना पकड़े वरना मैं उनके पुलिस स्टेशन को डायमंड करके उनको भी खरीद लूंगा पर कैसे को डायमंड में लेट्स गो मुझे हमेशा से डायमंड का प्लेन चाहिए

गया अरे ये कौन है ये कहा गया सिंह सिंह चैन तू मुझे इतना जल्दी भूल गया फ्रैंकलिन भैया हाँ फ्रैंकलिन भैया मेरे साथ धोखा किया मैंने तेरे सारे लोगों को मार दिया है मैं, मत ले जाओ, ले जाओ। मुझे ये प्लेन चाहिए ही नहीं ये ले इस प्लेन को पूरा तबाह कर दूंगा ये तेरा पूरा पूरा घर भी आज तबाह होने वाला है तू बहुत ही ज्यादा अमीर था पर आज के बाद नहीं रहने वाला इसके पूरे के पूरे घर में मैं आग लगाने वाला पूरे घर को नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं ऐसा मत करो ऐसा मत करो चल से इसके को फोड़ मैं आज, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला ये ले। ये फायर को बचाना चाहते हैं पर मैं इन्हें भी नहीं छोड़ने वाला आज सिंह का घर पूरा का पूरा तबाह होकर रहेगा तो गैसर हमें अपना बदला ले लिया सिंह से उसके चक्कर में आज बहुत सारी चीज हुई पर एक चीज बहुत ही अच्छी